नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नया सब्जेक्ट लेके आए जिसका नाम है डेटा माइनिंग एंड वेयरहाउस। आज की वीडियो में हम डेटा माइनिंग की डेफिनेशन को बड़े अच्छे से समझेंगे और उसकी एप्लीकेशंस को भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवरव्यू ऑफ डेटा माइनिंग। इन्फॉर्मेशन इंडस्ट्री में बहुत बड़ी अमाउंट में जो डेटा है वो अवेलेबल है। ये डेटा जो है वो तब तक किसी काम का नहीं होता जब तक इसे किसी यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं किया जाता। डेटा की इस बड़ी अमाउंट को एनालाइज करना और उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना आवश्यक है। इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना ही एकमात्र प्रोसेस नहीं है जिसे हमें करने की जरूरत है। डेटा माइनिंग में डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा माइनिंग पैटर्न इवैल्यूएशन और डेटा प्रेजेंटेशन जैसी अदर प्रोसेसेस भी इसमें शामिल है। एक बार जब ये सभी प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाती हैं तो हम इस इंफॉर्मेशन का उपयोग बहुत सारी एप्लीकेशंस जैसे कि फ्रॉड डिटेक्शन, मार्केट एनालिसिस, प्रोडक्शन कंट्रोल, साइंस एक्सप्लोरेशन आदि में कर पाएंगे। अब हम डेटा माइनिंग की डेफिनेशन को समझते हैं। डेटा माइनिंग को लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से कुछ ही डेटा को यूज करने के लिए निकालते हैं तो उसे डेटा माइनिंग कहा जाता है। यानी कि हमने बहुत बड़े डेटा के सेट में से सम इंफॉर्मेशन को माइन किया तो उसे हम डेटा माइनिंग बोलते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि डेटा माइनिंग डेटा से माइनिंग नॉलेज की प्रक्रिया है। एक्सट्रैक्ट की गई इंफॉर्मेशन या नॉलेज का उपयोग नीचे दी गई किसी भी एप्लीकेशन के लिए किया जा सकता है, जैसे कि मार्केट एनालिसिस, फ्रॉड डिटेक्शन, कस्टमर रिटेंशन, प्रोडक्शन कंट्रोल एंड साइंस एक्सप्लोरेशन। अब हम डेटा माइनिंग की कुछ हाईली यूजफुल एप्लीकेशंस को समझेंगे, जिसमें फर्स्ट है मार्केट एनालिसिस एंड मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड फ्रॉड डिटेक्शन। इनके अलावा डेटा माइनिंग का उपयोग प्रोडक्शन कंट्रोल, कस्टमर रिटेंशन, साइंस एक्सप्लोरेशन, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी एंड इंटरनेट वेब सर्फेड के क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। अब हम डेटा माइनिंग की उन तीनों मेन एप्लीकेशंस को हम आगे डिटेल में समझते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट है मार्केट एनालिसिस एंड मैनेजमेंट। मार्केट की ऐसी बहुत सारी फील्ड्स हैं जहां पे डेटा माइनिंग को यूज किया जाता है। इसमें फर्स्ट है कस्टमर प्रोफाइलिंग। डेटा माइनिंग ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि किस तरह के लोग किस तरह के प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। जैसे कि कुछ लोग ज्यादातर ऐसे प्रोडक्ट्स को भी खरीदते हैं जिनमें उन्हें आगे चलकर काफी प्रॉफिट हो सके। देन सेकंड इज आइडेंटिफाइंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। डेटा माइनिंग डिफरेंट कस्टमर्स के लिए बेस्ट प्रोडक्ट्स की पहचान करने में हेल्प करता है। ये उन फैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए प्रेडिक्शन का उपयोग करता है जो न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉस मार्केट एनालिसिस। डेटा माइनिंग प्रोडक्ट सेल्स के बीच एसोसिएशन कोरिलेशंस को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज टारगेट मार्केटिंग। डेटा माइनिंग उन मॉडल कस्टमर्स के क्लस्टर्स को सर्च करने में हेल्प करता है जो सेम करेक्टरिस्टिक्स जैसे इंटरेस्ट, स्पेंडिंग हैबिट्स, इनकम आदि को शेयर करते हैं। नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग कस्टमर परचेजिंग पैटर्न। डेटा माइनिंग कस्टमर परचेजिंग पैटर्न को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। एंड लास्ट वन इज प्रोवाइडिंग समरी इंफॉर्मेशन। डेटा माइनिंग हमें वेरियस मल्टी डिमेंशनल समरी रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। एंड सेकेंड एप्लीकेशन इज कॉर्पोरेट एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट। डेटा माइनिंग का उपयोग कॉर्पोरेट सेक्टर में नीचे दिए गए क्षेत्रों में किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है फाइनेंस प्लानिंग एंड एसेट इवैल्यूएशन। इसमें कैश फ्लो एनालिसिस एंड प्रिडिक्शन असेट्स को इवैल्यूएट करने के लिए कंटिंजेंट क्लेम एनालिसिस शामिल है। नेक्स्ट इज रिसोर्स प्लानिंग। इसमें रिसोर्सेस को खर्च करना और आपस में कंपेयर करना शामिल है। एंड लास्ट इज कंपटीशन। इसमें मॉनिटरिंग कंपटीटर्स एंड मार्केट डायरेक्शंस इंक्लूड है। एंड लास्ट एप्लीकेशन ऑफ डेटा माइनिंग इज फ्रॉड डिटेक्शन। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए क्रेडिट कार्ड सर्विसेज एंड टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्रों में भी डेटा माइनिंग का उपयोग किया जाता है। फ्रॉड टेलीफोन कॉल्स में ये कॉल की डेस्टिनेशन,
कॉल ड्यूरेशन, टाइम ऑफ द डे और वीक आदि को खोजने में हेल्प करता है। ये उन पैटर्न्स को एनालाइज करता है जो एक्सपेक्टेड मानदंडों से विचलित होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा माइनिंग की वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे कि डेटा माइनिंग जो है वो कैसे काम करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।